जो शुगर होती है हमारे ब्रेन के लिए और अदर बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ग्लूकोज यानी कि शुगर की वजह से ही हमारी बॉडी और ब्रेन रिदम में यानी कि अच्छे तरीके से बैलेंस में काम करता है। लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में या यूरिन में बढ़ जाती है, एक नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाती है, तब ये डायबिटीज़ बन जाती है। डायबिटीज़ दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। कॉमनली टाइप 2 ज़्यादा ही पाई जाती है। डायबिटीज़ को ब्लड में शुगर की मात्रा के हिसाब से 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहला है प्री डायबिटिक स्टेज, दूसरा है गेस्टेशनल स्टेज एंड तीसरा है डायबिटिक स्टेज। शुगर को हमेशा दो तरीके से नापना चाहिए। सबसे पहले खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको हम पोस्ट पेरेंडियल बोलते हैं, उससे हमें अपने ब्लड में शुगर की मात्रा नापनी चाहिए। दूसरा होता है फास्टिंग, यानी कि अगर हमने कुछ भी नहीं खाया है, कम से कम 10 या 12 घंटे की हमने फास्टिंग की हुई है, तब जाकर के अगर हम शुगर की मात्रा चेक करते हैं ब्लड में, तो उसको हम बोलते हैं फास्टिंग शुगर। इन दोनों की ही मात्रा को नापना ज़रूरी होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज के अकॉर्डिंग ब्लड में शुगर की मात्रा होने पे। जैसे कि मैंने बताया प्री डायबिटिक स्टेज, यानी कि इसमें जब भी हम चेक करेंगे शुगर को, तो फास्टिंग जो शुगर होगी वो 100 से 120 होगी, और इसमें खाना खाने के बाद अगर हम शुगर चेक करेंगे उसके 2 घंटे के बाद, तो हमारी जो शुगर होनी चाहिए वो 120 से लेके 140 वो नॉर्मल होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ हम किसको बोलेंगे। अगर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा फास्टिंग 120 से ऊपर चली जाती है, देन वो डायबिटिक कंडीशन में आ जाती है। और अगर पोस्ट पेरेंडियल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर हम चेक करते हैं, वो अगर 200 से ऊपर होती है, तो ये हमारी डायबिटिक कंडीशन होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल स्टेज। जेस्टेशनल का मतलब होता है ऐसी महिला जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाती है, जो कि डिलीवरी होने के बाद नॉर्मल हो जाती है। अगर नहीं होती है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल स्टेज। जब डायबिटीज़ होती है तब हमको कौन कौन से सिम्टम्स दिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम है कि यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि आपको बार बार यूरिन जाने का मन होता है। दूसरा होता है आप में आई विज़न ब्लर हो सकता है, यानी कि धुंधला दिख सकता है, वीकनेस लग सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लग सकती है, और फटीगनेस यानी कि जल्दी थकान आपको हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो वो जल्दी हील अप नहीं होती है, आप में वेट लॉस हो सकता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, अगर आपके हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही हो या जलन कहीं हो रही है, तो वो शुगर बढ़ने की वजह से हो सकता है। दोस्तों इसके पीछे का कारण का हम बात कर लेते हैं कि कारण बेसिकली दोस्तों मेन जो होता है रीज़न, वो होता है स्ट्रेस होना। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस कंटिन्यू बना हुआ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी फैमिली में भी किसी को भी है डायबिटीज़ यानी कि शुगर है, तो आपके भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं, तो आप अपना शुगर चेक एक बार ज़रूर कराइए, शुगर फास्टिंग और शुगर पीपी ज़रूर कराइए। इसके साथ साथ एक और एडवांस टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c, वो भी आप करा लेंगे तो आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आखिर होता क्या है डायबिटीज़ में, जैसे ही शुगर बढ़ती है तो आपकी इम्यूनिटी होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार फीवर लगना, बार बार आपको वीकनेस होना, बार बार कोई भी चोट लगती है तो आपको पता ही नहीं चलता है फर्स्ट उसमें कि आपको चोट लगी हुई है। जब बहुत बड़ी हो जाती है, जब वो हील अप नहीं होती 8-10 दिन के बाद, तब आपको पता चलता है इसके पीछे का रीज़न जो हो सकता है वो शुगर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि अगर आप रिसेंटली ही आपको पता चला है कि आपको डायबिटीज़ है या शुगर बढ़ी हुई है, या आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं, तो अपना ट्रीटमेंट अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका विदिन 10-12 डेज में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप पहले से ही कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तब आपको साथ साथ अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो वो आप बंद मत करिए अपना पहले वाला ट्रीटमेंट। उसके पीछे का भी एक साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों, कि जैसे ही आपका जो इंसुलिन बनाती है ग्लैंड, वो ग्लैंड पैसिव हो जाती है, क्योंकि आपको आर्टिफिशियल हार्मोन्स दिया जाता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, जिसकी वजह से जो आपकी मेन ग्लैंड होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है। तो अगर हम जैसे ही विड्रॉ करते हैं जो पहला ट्रीटमेंट चल रहा होता है,
तो ग्लैंड एक्टिव ना होने की वजह से तुरंत इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है, और ड्रॉप डाउन हो गया अगर इंसुलिन तो फिर जो ग्लूकोज होती है वो एकदम शूटअप हो सकती है और आपकी लाइफ थ्रेटेंड हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका पहले कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको साथ साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए आपको जो अपनी शुगर है उसको 200 से नीचे रखना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं किसी के भी थ्रू, देन तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम बात करते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन। एक सबसे पहली मेडिसिन है पैंक्रियाटिनम 200। ये दोस्तों पैंक्रियाज को एक्टिव करती है। अगर आपके रिपोर्ट्स में पैंक्रियाज के हार्मोन्स अप एंड डाउन हैं तो आप पैंक्रियाटिनम 200 मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं आर्सेनिक ब्रोम 200 मेडिसिन। ये मेडिसिन हम तब चलाते हैं कि अगर आपने KFT कराया हुआ है, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट कराया हुआ है, उसमें अगर आपके किडनी के जो भी नॉर्म्स होते हैं वो अप एंड डाउन हैं तो उसकी वजह से आप में शुगर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उस आर्स ब्रोम 200 की आपको मेडिसिन लेनी होगी 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। तो आगे बात करते हैं, एक और मेडिसिन है बहुत ही अच्छे शुगर की, रेडियम ब्रोम 200। रेडियम ब्रोम 200 किडनी की फिल्ट्रेशन रेट को अच्छा करता है। अगर किडनी सही से फंक्शन करेगी तो फिल्ट्रेशन अच्छा होगा और शुगर आपके ब्लड में नहीं आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एक सॉल्यूशन की। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। इसके अंदर 3 मेडिसिन आपको मिक्स करनी होंगी। सबसे पहला है मदर टिंचर के फॉर्म में, वह है साइजीजियम जम्बोलेनम मदर टिंचर, और दूसरा है एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर, और तीसरा है सिफलेंड्रा मदर टिंचर। इन तीनों की आपको 30-30 ml मेडिसिन ले लेनी है, और 100 ml की एम्प्टी बॉटल लेनी है, उसमें इस 30-30 ml के तीनों ही डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको खाली पेट लेना है 15 से लेकर 20 बूंद 1/4 कप पानी में लगातार दिन में 3 बार। अब बात कर लेते हैं इन तीनों मदर टिंचर का अलग अलग क्या एक्शन है। साइजीजियम जम्बोलेनम मदर टिंचर में दोस्तों शुगर को कम करने की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर जो है वो आपके यूरिन इनकंटिनेंस को ठीक करती है, यानी कि यूरिन की प्रॉब्लम अगर आप में है शुगर बढ़ने की वजह से, देन ये आपको यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। तीसरी मेडिसिन थी सिफलेंड्रा मदर टिंचर। सिफलेंड्रा मदर टिंचर जो होता है, शुगर बढ़ने की वजह से किसी किसी पेशेंट में स्वेलिंग आ जाती है, उनके पैरों यानी कि एंकल के पास स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी पूरी बॉडी में भी स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए यानी कि बॉडी में स्वेलिंग कम हो और शुगर कम बने, सिफलेंड्रा वहाँ पे एक्शन उसका बहुत अच्छा है। तो तीनों को आप मिक्स कर लीजिए और 1/4 कप पानी में आपको 15 से 20 बूंद लेनी है दिन में 3 बार। खाली पेट ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या है, ये मैंने खुद अपने पेशेंट में देखा है कि अगर जो पेशेंट 4-5 किलोमीटर, इवन मेरे एक पेशेंट हैं जो 7 किलोमीटर टहलते हैं यानी कि वॉक करते हैं, उनकी शुगर विद इन 2 डेज में ठीक हो गई, यानी कि कंट्रोल में आ गई। अगर आप जितना वॉक करेंगे उतना ही जल्दी आप शुगर पे कंट्रोल कर लेंगे। मेडिसिंस के साथ साथ आप वॉक भी करिए, और इसके साथ साथ दोस्तों चावल अगर आप खाते हैं, पहले तो चावल नहीं खाना है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको चावल का जो माड़ होता है यानी स्टार्च होता है उसको निकाल के खाना है। आपको हरी सब्जियां अपने खाने में शामिल करनी होंगी। नींद अच्छे से लेनी होगी, क्योंकि नींद अगर अच्छे से नहीं होती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कम बनने लगता है और आप में शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और सभी को पता है कि शुगर अगर आपको है यानी डायबिटीज़ है तो आपको शुगर इंटेक भी कम करना है। तो दोस्तों ये थी सारी मेडिसिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।